विकास खंड जोशी मठ के समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर धरना दिया। सभी गांव के प्रतिनिधियों के द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। प्रतिनिधियों की मांगे हैं कि स्थानीय प्रशासन द्वारा गाँव में चल रही समस्याओं से अवगत कराने के बाद स्थानीय प्रशासन का व्यवहार निराशाजनक है, इसके खिलाफ विरोध किया गया। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत प्रशासन और तथा कोरोना से बचाव हेतु समुचित संसाधन उपलब्ध कराए, जिसके बाद समस्त गांवों के प्रतिनिधियों ने 2 घंटों का सांकेतिक धरना देने की बात कही, वहीं धरना समाप्त कर दिया। किसान संघर्ष के अध्यक्ष अनूप सिंह नेगी का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो समस्त ब्लॉक के प्रतिनिधियों का आंदोलन बाध्य होगा। देखिए, आज से हमारे जोशीमठ विकास खंड के समस्त प्रधान संघ के, हमारे प्रधान और सरपंच संगठन के, हमारे समस्त सरपंच और क्षेत्र पंचायत संगठन के लोगों द्वारा आज हमारा धरना कार्यक्रम हमारा किया जा रहा है, जिसका हमारा मुख्य विरोध है स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ। जिस प्रकार से आज ग्राम प्रधानों को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, लेकिन समुचित व्यवस्थाएं हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायतों को हम प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं, ग्राम पंचायतों को आप सशक्त कीजिए, उनको अधिकार दीजिए, उनके बाद इतनी फैसिलिटीज दीजिए कि आप वो लोग सख्ती से पालन कर सकें। और जनप्रतिनिधि लोग हमारे लगातार स्थानीय प्रशासन को सूचना दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है, जिस कारण आज हमको मजबूरन आस्था प्रधान संघ को, क्षेत्र संगठन को आज आंदोलन करना पड़ा। आप कौन है? मेरा नाम पुलकित आर्य है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पहाड़ आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम क्या है? स्वदेशी जी विनोद। हम लोग यहाँ स्वदेशी ऑर्गेनिक जो है उसका काम करते हैं हम लोग, और पहाड़ से जो दालें पहाड़ में आप लोग उगाते हैं जिस प्रकार से, तो उसका व्यवसायिक दृष्टिकोण से उसका जो उत्तराखंड शासन का जो लोगो लगा हुआ है वो क्यों लगाया इस गाड़ी पे? जी वो क्यों लगाया बताइए। उत्तराखंड सरकार का जो ये लोगो है, हमारी गाड़ी जो है वहाँ पर खराब हो गई थी, तो माननीय मंत्री जी गाड़ी से है। कौन मंत्री जी? डॉक्टर विनोद आर्य। आपके पिताजी है ना जो? जी ठीक है, धन्यवाद।